गाइस वेलकम टू माय हिंदी ब्लॉग। सो आज मैंने सोचा है कि मैं जो मेरा ब्लॉग है वो हिंदी में बनाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गया मैंने हिंदी से ब्लॉग नहीं बनाया। तो आज मैंने सोचा कि मैं हिंदी से ब्लॉग बनाने वाली हूँ, आप लोगों को भी देखने में मज़ा आएगा। एक्चुअली पहले मैं हिंदी से ही ब्लॉग बनाया करती थी, बट मैंने एक साल का गैप दिया था कुछ कारणों की वजह से। तो उसके बाद जब मैंने वीडियो अपलोड करना शुरू किया तो मैंने अपनी लैंग्वेज कॉम्प्रोम में बना के अपलोड किया। तो आज मैंने सोचा फिर से कि आज जो है मेरा ब्लॉग जो है मैं हिंदी में बनाने वाली हूँ। एक्चुअली मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो या तो अभी मैं कंप्यूटर, मेरा जो कंप्यूटर क्लास है वो जाके आई हूँ। तो अभी 4:30 बज चुके हैं शाम के। सुबह में तो कुछ नहीं है दिखाने को, मतलब ब्लॉग शूट करने को, तो इसलिए मैंने सुबह में नहीं किया। तो अभी शाम से शुरू कर रही हूँ। तो अभी तो कुछ नहीं है करने को, बट देखते हैं शाम को क्या करना पड़ेगा। तो इसलिए तो अगर आप लोगों को मेरा ये हिंदी ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्त लोग के साथ शेयर जरूर कर देना। तो अभी के लिए टाटा। सो गाइस तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो अभी हम जाएंगे मार्केट, क्योंकि कुछ सब्जी वब्जी नहीं है। तो अभी हम जाएंगे मार्केट। तो अभी मैं निकल चुकी हूँ घर से और ये मेरा गेट है, तो मैं अभी जा रही हूँ। और यहाँ पे आके ना एक कॉफ़ी शॉप में मैं कॉफ़ी पीने के लिए बैठी हूँ। और उसके बाद हम जाएंगे हमारे एक दोस्त लोग के घर में थोड़ा सा घूमने के लिए। हम आ चुके हैं अभी दोस्त लोग के घर में थोड़ा सा घूमने के लिए, उसके बाद मार्केट जाएंगे। तो अभी चलते हैं। बेल खड़ी बेल। अभी हम निकल चुके हैं दोस्त लोग के घर से मार्केट जाने के लिए। वहाँ पर थोड़ी देर रह के फिर हम आ चुके हैं मार्केट जाने के लिए। शाम के टाइम में यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, क्योंकि यहाँ पर सब लोग आते हैं मार्केट में सब्ज़ी खरीदने के लिए, तो इसलिए बहुत भीड़ होते हैं यहाँ पे। तो अभी हम उसको पार्क करके फिर जाएंगे मार्केट। ये अगरतला का सबसे फेमस सब्जी मार्केट है लेक्चर मिनी। अब किसी से भी पूछो सब लोग बता देगा कि ये कहाँ पर है। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट अंदर के और उसको सब्जी खरीदने के लिए। तो हाँ चलिए चलते हैं अभी अंदर, देखते हैं क्या क्या सब्जी मिलता है यहाँ पे।
तो ये है मेरा जो मैं मार्केट गई थी ना वहाँ से लेकर आई हूँ। ये खुशबूदार पत्ते हैं और ये भी खुशबूदार पत्ते ही है। और ये पाइनएप्पल लेकर आई हूँ तो इसका मैं एक रेसिपी बनाने वाली हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये रहा जामुन, ये भी लेकर आई हूँ, कल खाऊंगा ये चटनी बना के। और ये भी एक सब्जी है, यहाँ पे मिर्ची है, ये बेम्बू शूट। और यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, अभी अभी आई हूँ तो थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद दिखाऊंगी अच्छे से मैं क्या क्या लेके आई हूँ। और ये रहा एक पेप्सी, गर्मी बहुत है ना तो इसलिए पेप्सी लेके आई हूँ। तो हाँ, तो अभी रेस्ट करते हैं, बाद में दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ इसमें। तो हाँ, इसका रेसिपी भी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं कैसे बना के खाती हूँ इसको। तो या दही लेकर आई थी मैं खाने के लिए, क्योंकि बहुत गर्मी है ना तो इसलिए। तो अभी मैं दही खाने वाली हूँ और उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम जाएंगे किचन में खाना पकाने के लिए। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं आज क्या क्या खाना पकाती हूँ। स्पेशली इसका रेसिपी जो है आज भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोग भी ट्राई ज़रूर करना। तो अभी हम दही खाते हैं। वाओ, लुकिंग सो टेस्टी। ये ओरिजिनल दूध का बना है, गाय का दूध का बना है, तो ये बहुत टेस्टी है। मैंने पहले भी खाया है इसलिए ही लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया है। तो यस, तो अभी हम खाते हैं इसको और उसके बाद इसको लेके जाएंगे किचन में और पकाएंगे एक साथ। कोको, तुमको कुछ बोलना है क्या? हाँ, मेरा प्याला 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 प्याला, ये मेरा प्यारा सा कुकुबाई, मेरा बच्चा है। ये सब क्या है? हाँ, ये सब क्या है? गर्मी के कारण ना मैंने उसका जो बाल होते हैं ना वो काट दिया था नीचे से। ये देखो, मैंने काट दिया, उसको भी बहुत गर्मी लगती है तो उसलिए मैंने सब कुछ काट दिया नीचे से। ऊपर से है थोड़ा थोड़ा, यहाँ से है, बट नीचे से मैंने काट दिया। यहाँ पे है देखो कितना सारा, तो यहाँ से सब कुछ काट दिया। यहाँ ऊपर से ऊपर में है अभी भी, ये देखो। गर्मी में ना उसको खुजली भी बहुत हो रहा है और कर दिया। तो अभी चलते हैं, ये सब ठीक करते हैं किचन में और बनाते हैं। तो ये रहा मेरा आज का स्पेशल डिश बनने वाला है। ये पोक लेकर आई हूँ मैं, और यहाँ पे पाइनएप्पल छील रही हूँ, और ये जामुन। तो ये इन सबको ना मैं बनाने वाली हूँ, पोक जो है वो उसको बेम्बू शूट के साथ बनाने वाली हूँ। और ये चीनी और मिर्ची और ये बादाम लेकर आई हूँ मैं। और ये एक पाइनएप्पल दो लेकर आई थी ना, तो एक मैं बनाऊँगी, दूसरा रख दूँगी, बाद में खाऊँगा वो। तो अभी बनाते हैं मेरे पोर्क, फिर बाद में बनाएंगे पाइनएप्पल का रेसिपी। तो अभी मैंने यहाँ पे मसाला सब तैयार कर दिया है। यहाँ पे मैंने डाला है नमक, पोर्क, बेम्बू शूट, अनियन। तो अभी मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर। और जो बाकी मसाला है वो अनियन, जिंजर गार्लिक और काली मिर्च को मैंने कूट के पेस्ट करके डालूँगा। और उसके बाद तेल, थोड़ा सा तेल देके उसको अच्छे से मिक्स करके फिर हम चला देंगे गैस पर। अब मैंने तेल डाल दिया है, तो अभी मैंने उसको अच्छे से चलाऊँगा
अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा, वरना मसाला जो है वो अच्छी तरह से नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मुझे स्पाइसी खाना पसंद है, तो मैंने लाल मिर्च का पाउडर जो है वो मैंने थोड़ा ज़्यादा दे दिया। तो अगर आप लोगों को स्पाइसी नहीं पसंद तो आप थोड़े थोड़े सा दे के भी खा सकते हो, बट मुझे स्पाइसी पसंद है तो मैंने ज़्यादा दिया है स्पाइसी। वाओ, तो अभी मैं उसको अच्छे से मिक्स करके फिर गैस में चढ़ा दूँगा। तो ये मैंने चढ़ा दिया है मेरा पॉक बेम्बो शॉट का डिश, और दूसरे साइड में मैं बादाम को रोस्ट कर दे रही हूँ पाइनएप्पल के रेसिपी के लिए। तो बादाम को अच्छे से रोस्ट करने के बाद उसको छीलना भी पड़ेगा, तो उसके बाद ही मैं बनाऊँगी, तो आप लोग देखते रहिए। और मेरा पॉक और बेम्बो शॉट का जो डिश है वो भी बनने ही वाला है, उसको हम अच्छे से थोड़ा सा अच्छे से पका लेंगे, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें पानी। छोटे छोटे पीस करके फिर डालना पड़ेगा, अगर मिक्सर होता तो मिक्सर में डालने से और भी अच्छा होता। तो अभी हम उसको पील कर रहे हैं, और जीरा थोड़ा सा ले लिया है मैंने पकाने के लिए उसको, जो पाइनएप्पल का रेसिपी होता है उसमें। तो खाना बनाने के बाद जो है बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैंने स्मूथ पिया बैठे बैठे, खाना भी पका रहा हूँ और जूस भी पी रही हूँ। और उसके बाद हम बनाएंगे जो पाइनएप्पल का रेसिपी होता है वो। तो मेरा पोर्क और बेम्बू शूट का जो रेसिपी डिश है ना वो, उसमें मैंने पानी दे दिया है अच्छे से। और अभी बादाम को मैं कूट के थोड़ा सा पीस कर लिया हूँ, और उसके बाद उसको डालना है पाइनएप्पल में, जो मैंने बताया था ना आप लोगों को बनाने वाली हूँ। और लगभग मेरा जो पोर्क और बेम्बू शूट का जो डिश है वो भी बन चुका है, और उसमें मैंने धनिया डाल दिया था, वो मैंने दिखाया था ना आप लोगों को, वो भरा वाला धनिया डाल दिया, बहुत खुशबूदार होती है और टेस्ट बहुत टेस्टी भी बना है, मैंने खा के देखा। तो हाँ, तो उसके बाद अभी हम मेरा जो पाइनएप्पल का रेसिपी है वो बनाने वाली हूँ। तो मैंने कढ़ाई में ना गरम तेल डाल के गरम करके, और उसमें थोड़ा सा जीरा दे दिया, और उसके बाद जीरे को थोड़ा सा पका लेने के बाद मैं डालूँगी उसमें मेरा जो पाइनएप्पल जो, तो मैंने जो पाइनएप्पल है वो पहले से ही रेडी करके रखा है, उसको कूट के थोड़ा सा पेस्ट बना के ले लिया है। तो अभी मैं उसको डालने वाले हूँ इस गर्म तेल में, तो ऐसे ही डाल के ना उसको गोल्डन कलर होने तक उसको हम चला लेंगे। और गैस को मैंने हाई फ्लेम पे दे दिया हूँ, तो अभी हम उसको चला के थोड़ा सा गोल्डन कलर आने तक चलाएंगे, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे चीनी। तो हम अभी चला रहे हैं, अच्छे से चलाने के बाद डाल देंगे चीनी, और जो बादाम का मिक्सचर होता है ना जो हमने बनाया था वो डाल देंगे। तो अभी पक रहा है, तो अभी चीनी डाल दिया, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो कि आपको कितना मीठा पसंद है उसके अनुसार आप डाल सकते हो। और इसमें थोड़ा सा नमक भी डालना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा फिर, तो थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक भी डाल देना। मैंने ऑलरेडी डाल दिया था, तो उसके बाद मैंने बादाम को जो है दे दिया, थोड़ा सा गोल्डन कलर हो चुका था, तो मैंने बादाम को जो है वो डाल दिया हूँ। और उसके बाद उसको थोड़ी देर पकाने के बाद पानी डाल देंगे। एक्चुअली इस रेसिपी का जो मेन होता है ना वो पानी होता है, मतलब
सो मेरा खाना बनाना हो चुका है, तो अभी खाएंगे हम। रात के 10:30 बज चुके हैं और अभी तक डिनर नहीं किया है मैंने, तो हाँ तो अभी हम डिनर करते हैं। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरा जो पाइनएप्पल का रेसिपी है वो कैसा बना है, तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ अभी। तो चलो मैं आप लोगों को मेरा जो पाइनएप्पल का रेसिपी बनाया था ना वो दिखाती हूँ। ये देखो, इसको आप चावल के साथ भी खा सकते हो और ऐसे भी पी सकते हो। ये ठंडा होने के बाद ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, गर्म में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। बस ठंडा करो और पियो, खाओ, बस आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। तो अभी मैं डिनर करने वाली हूँ, तो ये रहा मेरा पोर्क और बेम्बू सूप का पोर्क और बेम्बू सूप सब्जी, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और ये बड़े वाले जो खुशबूदार पत्ता बोला था ना मैंने, धनिया वो दिया है। और यहाँ है मेरा पाइनएप्पल का जूस नहीं, इसको आप चावल के साथ भी खा सकते हो, तो जूस नहीं बोल सकते इसको। तो अभी हम खाते हैं और खाने के बाद और आप लोगों से मिलते हैं मेरे एक और नए ब्लॉग में। सो या गुड नाइट सभी को।